नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.5% से 8% तक रहेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का मानना है कि मजबूत आर्थिक गतिविधियां, सकारात्मक धारणा और निजी निवेश बढ़ने से ऐसा संभव है। मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए फिक्की को लगता है कि जीडीपी की रफ्तार इसी तरह तेजी से बनी रहेगी। कई कंपनियां निवेश कर रही हैं और अपनी क्षमता भी बढ़ा रही है। अदानी समूह के फिर एक बार अच्छे दिन लौटते दिख रहे हैं। एक के बाद एक पॉजिटिव खबरों के बाद आज भी एक अच्छी खबर सामने आई है। अदानी ग्रुप का पहली छमाही में टैक्स पूर्व लाभ 47% बढ़कर 43,688 करोड़ रुपए रहा। कर पूर्व आय में बुनियादी ढांचा कारोबार का योगदान 86% रहा। सितंबर अंत में अदानी ग्रुप के पास अब तक का सबसे ज्यादा 45,895 करोड़ रुपए का नकद भंडार था। बैंक, आईटी और स्टील शेयरों में खरीदारी होने से बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 102 अंक की बढ़त के साथ 70,000 अंक के करीब बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21,000 अंक के आसपास पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 18 लाभ में जबकि 11 नुकसान में रहे। उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली होने से बाजार में तेजी सीमित रही। इसका कारण यह है कि कारोबारियों को मंगलवार को अमेरिका और भारत में जारी होने वाली महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। इसके अलावा उनकी नज़र आईपी पर भी है। बैंक, आईटी और स्टील शेयरों में खरीदारी होने से बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 102 अंक की बढ़त के साथ 70,000 अंक के करीब बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21,000 अंक के पास पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 18 लाभ में जबकि 11 नुकसान में रहे। उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली होने से बाजार में तेजी सीमित रही। इसका कारण यह है कि कारोबारियों को मंगलवार को अमेरिका और भारत में जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। इसके अलावा उनकी नज़र आईआईपी पर भी है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने ईटीएफ में इस साल अभी तक निवेश कम किया है। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक ईटीएफ में 27,105 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ ने ईटीएफ में 53,081 करोड़ और 2021-22 में 43,568 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश शुरू किया था। 31 मार्च 2022 तक ईपीएफओ ने कुल 18.30 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसमें से 8.70% ईटीएफ और 91.30% डेट इन्वेस्टमेंट है। देश में जल्द पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक साल से ज़्यादा समय से स्थिर बनी हुई हैं। 2022 में तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर 17 रुपये लीटर और डीजल पर 35 रुपये लीटर का नुकसान हुआ था, लेकिन अब कंपनियों को पेट्रोल पर 8 से 10 रुपये लीटर और डीजल पर 3 से 4 रुपये लीटर का मुनाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल मंत्रालय कच्चे तेल और खुदरा कीमत को लेकर तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि प्याज की कीमत जल्द नीचे आएंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57 रुपये किलोग्राम से घटकर 40 रुपये किलो से नीचे आ जाएंगी। प्याज की खुदरा कीमत 80 रुपये किलो को पार करने के बाद पिछले हफ्ते ही सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रतिबंध से घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ेगी, जिसका असर इसकी कीमतों पर भी दिखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जनता को प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों से आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापन के जरिए ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क वसूल रही है। ये संस्थाएं गलत बयानबाजी भी कर रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि बैंकों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गतिविधियां बैंकों की स्थिरता और जमाकर्ताओं के हित को कमजोर करती हैं। घरों की कीमतें बढ़ने और कर्ज महंगा होने से पिछले 2 साल में देश के 7 प्रमुख शहरों में लोगों की घर खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी JLL इंडिया ने उम्मीद जताई है कि नीतिगत रेपो दर में अगले साल कटौती होने से घर खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इससे घरों की बिक्री को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बीते 2 सालों में घरों की बिक्री बढ़ी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए टाटा पावर और IOC ने एक करार किया है। इसके तहत देश भर में 500 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन काफी तेज गति से चार्ज करने वाले होंगे। टाटा पावर IOC के पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाएगी। ये EV चार्जिंग पॉइंट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और कोची जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, सलेम कोची हाईवे, गुंटूर चेन्नई हाईवे जैसे प्रमुख राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे। ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर लगाना अक्टूबर 2025 से अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए ये फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले N2 और N3 श्रेणी के वाहनों के केबिन में AC लगाना अनिवार्य होगा। इस हफ्ते इंडिया शेल्टर फाइनेंस, डोम्स इंडस्ट्री समेत 5 कंपनियों के IPO आ रहे हैं। किफायती आवास वित्त कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस और पेंसिल निर्माता डोम्स इंडस्ट्रीज के IPO 13 से 15 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेंगे। जिन 3 अन्य कंपनियों के IPO आ रहे हैं उनमें आईनॉक्स इंडिया, मोती सन्स ज्वेलर्स और सूरज एस्टेट डेवलपर शामिल हैं। संयुक्त रूप से इन कंपनियों के IPO से कुल 4,200 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जाएगी। पिछले महीने 10 कंपनियों के IPO सफलतापूर्वक पूरे हुए थे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।